लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो वीडियो में आज हम समझेंगे। एक एक बिल्कुल बेसिक से लेके तो लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से पलक झपकते ही हम इसका लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को पहले गेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको उतारना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो ये चुटकियों का खेल है, कुछ भी नहीं है। सबको लगता है कठिन है, कठिन है, कठिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको तरीका नहीं पता है कैसे किया जाता है, आज वो दिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूँ आपको, तो पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। क्या दोनों में चेंज क्या है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हमको पता है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, इतना तो हम सब जानते हैं भैया, इसमें नया क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में बोलूँ तो हर साल सेम रहता है, मतलब कि साधारण ब्याज कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ, मान लो मैं 1,000 रुपये, चलो 10,000 लेते, 10,000 रुपये मान लो मैंने बैंक में रखे। कहाँ रखे? बैंक के अंदर। ठीक है, और इस पे ब्याज दर मुझे मिल रही 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने 10,000 रुपये बैंक के अंदर रखे, तो आप मुझे बताओ पहले साल उस पे ब्याज कितना मिलेगा? तो इसका 10% मिलेगा, मतलब इसका 10% निकालना हो तो 10 कम कर देते, मतलब 1,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा? तो दूसरे साल भी 10% ही ब्याज मिलेगा इस पे, यानी कि 1,000 रुपये मिलेगा। तीसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे सर तीसरे साल भी 1,000 रुपये ही मिलेगा। इसका एक अर्थ आपने ये जाना यहाँ से कि सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है, साधारण ब्याज रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जितना भी रहता है वो हर साल सेम रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर 3 साल का साधारण ब्याज मुझे निकालना होता है तो मैं क्या कर देता था सिंपल इंटरेस्ट में, सीधे मैं क्या करता था, R×T% कर देता था। साधारण ब्याज निकालने के लिए मैं RT% यूज़ करता था। हर बार आपको बताया है कितने क्वेश्चन हमने इससे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो RT का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। जैसे कि मैंने बोला 10% ब्याज की दर, और कितने साल हो गए, 1, 2, 3, तो अगर 3 साल समय है तो RT कितना हो गया? तो आप बोलोगे यहाँ से सर 30% हो जाएगा। तो सीधे मैं क्या करूँगा, 10,000 का 30% निकाल दिया करता था, और 10,000 का 30% जो आता था 3,000 रुपये आता था। आप देखेंगे 1,000, 1,000, 1,000, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज चूँकि हर साल एक जैसा रहता है, इसके लिए मैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो सीधे मैं क्या करता हूँ, RT% निकाल के मेरा काम बन जाता था और मैं ब्याज निकाल दिया करता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, हर साल ब्याज बढ़ता जाता है। जैसे कि सपोज करो, पहले साल आपको जो 10,000 रुपये पे ब्याज मिलेगा वो 1,000 रुपये मिलेगा। अगले साल अगर बात करें दूसरे वर्ष, तो 10,000 रुपये पे आपको 1,000 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 1,000 रुपये पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा। यानी कि इस 1,000 रुपये पे अगर 10% ब्याज नहीं मिले तो 100 रुपये यहाँ पे और मिलेगा। बात समझ में आई? अच्छे से इसको बना के समझते हैं। जैसे कि अगर यहीं मैं साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँगा, तो लेट सपोज आपके पास में कितना है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। कोई भी वीडियो से आप मेरे वीडियो को कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, सो 10,000 रुपये का मुझे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, इतने सिंपल तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 10,000 रुपये का हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी मैं 3 वर्ष की बात करता हूँ, आप कहेंगे तो ज़्यादा के लिए भी बता दूंगा, चलो 4 साल की बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 4 साल तक निकालेंगे। ठीक है, तो पहले साल में मुझे बताइए 10,000 रुपये पे, अगर वही मैं बात करूँ कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 10,000 रुपये का 10% के हिसाब से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करना है। ठीक है, तो डिस्कस करने के लिए पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे 10,000 रुपये पे 10%, यानी कि 10 कम करेंगे तो 1,000 रुपये मिलेगा। दूसरे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 10,000 रुपये पे 10% मिलेगा, इसका मतलब 1,000 रुपये मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, मतलब कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना। तो इस 1,000 पे भी 10% मिलेगा, तो आप बताइए इस 1,000 पे 10% अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 इसमें से कम कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे 100 रुपये और मिलेगा। बोलो, बात समझ में आई? तो पहले साल आपको ब्याज मिला 1,000 रुपये, दूसरे साल कितना मिलेगा,
इस 10,000 पे 1,000 तो मिलेगा 10% के हिसाब से, लेकिन इस 1,000 का भी ब्याज काउंट हो जाएगा तो 100 रुपये इसका मिल जाएगा। तीसरे साल की बात करेंगे तो इस 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये तो मिलेगा, लेकिन अभी तक जितना पैसा आपके पास में ब्याज के तौर पे इकट्ठा हो गया है उस पूरे पे भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने लगेगा। यानी कि इस 1,000 पे भी आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 1,000 का 10% मिलेगा तो 100 मिलेगा, इस पे भी मिलेगा तो इसका 10% मिलेगा तो फिर से 100 मिलेगा, और इस पे भी मिलेगा यानी कि इसका 10% मिलेगा तो 10 और कम करेंगे, 100 का 10% कितना होता है 10, यानी कि यहाँ भी मिलेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर चौथे वर्ष की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा इस 10,000 पे 10% तो मिलेगा तो 1,000 रुपये तो यहाँ मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद में इस 1,000 पे भी आपको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा यानी कि यहाँ पे 100 रुपये फिर से मिलेगा, इस पे भी मिलेगा यानी कि 100 रुपये फिर से मिलेगा, इस 1,000 पे भी मिलेगा यानी कि 100 रुपये फिर से मिलेगा, सब पे मिलेगा, टोटल जितना भी है सब पे मिलेगा। इस 100 पे मिलेगा यानी कि 10 रुपये फिर से मिलेगा, इस 100 पे मिलेगा यानी कि 10 फिर से, इस 100 पे मिलेगा यानी कि 10 वापस से, और इस 10 पे मिलेगा तो इसका 10% देखेंगे तो 1 रुपया यहाँ मिलेगा। बोलो बात समझ में आई? हर बार 10% मिलेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, क्लियर है। तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास में एक ट्री बन गया, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इससे भी मैं बताऊँगा, और जहाँ हमको ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी मैं बताऊँगा कि बिना ट्री लगाए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में उतार देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती। कोई भी चीज़ के पीछे अगर आप जड़ को पकड़ लेंगे ना तो बड़ी आसानी से चीज़ें बनने लगती है, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है और बस फॉर्मूले रट रट के दिए जा रहे बत्ती तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि अगर मैंने 10,000 रुपये का 10% के हिसाब से ब्याज देखूँ तो 3 साल का टोटल ब्याज कितना बनेगा। तो आप देखो 2 साल, 1 साल का ब्याज तो सिंपल रहेगा, 1 साल में देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में नहीं बदल रहा, लेकिन दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट तो ऊपर ही रहेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाएगा। तो अगर मैं 2 साल का कोई मुझसे ब्याज निकालने का बोल दे 10,000 रुपये का 2 साल का 10% के हिसाब से ब्याज निकाल, तो आप बोलोगे 1,000 + 1,000 + 100 यानी कितना मिलेगा, 2100 रुपये मिलेगा। आपसे बोले कोई 3 साल का ब्याज निकाल दो तो 1, 2, 3, 3,000, 1, 2, 3, 310 तो कितना आएगा 3,310 ये बनेगा। तो ये तो 1 साल, ये तो 2 साल का ब्याज बन गया आपका, ये वाला 3 साल का आपका ब्याज बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि भैया 4 साल का आप इसका इंटरेस्ट निकाल दो तो आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3, 4, 4,000 तो ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4,600, 1, 2, 3, 4, 640 और 1, 41 यानी कि कितना बना 4,641 बनेगा, क्लियर है। तो आई होप ये आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। देखो पहले साल इंटरेस्ट देखेंगे तो 1,000 था, दूसरे साल बढ़ के कितना हो गया 2100 हो गया 10,000 का, 3 साल में पैसा कितना हो जाएगा 3,310 रुपये ब्याज मिल जाएगा, चौथे साल में ये 4,641 ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, अगले साल और बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बस चीज़ें इसमें जोड़ते जाइए वन बाय वन, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बस, ठीक है। मैं ये पूरा हटाता हूँ यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट वाला मामला। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो चीज़ आपने ट्री से समझ ली, अगर मैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, अभी बात समझ में आएगी, वो क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज। इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली क्रमागत रूप से वो बढ़ता रहता है, सक्सेसिव इंक्रीज रहता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूं कि अगर 10% वार्षिक दर है परसेंटेज में, तो आप देखेंगे कि 10% का मतलब क्या है, अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की दर से मिल रहा है तो 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे उससे 1/10 होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन, पहले वर्ष की बात करूँ तो अगर मूलधन और यहाँ पे मैं ब्याज देखूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट देखूँ, और यहाँ प्रिंसिपल देखता हूँ, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन है ना, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगर मूलधन 10 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1 ज़्यादा 11, मतलब कि 10% की दर से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके पास में प्रिंसिपल 10 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। तो पहले साल 10 से 11 हुआ, अगले साल भी क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा, उसके अगले साल भी क्या होगा, 10% की दर है तो 10 से 11 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ
तीन साल में अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल, अगर आप यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ कितना आएगा 1000, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1331। ठीक है, जब 11 में 11 का क्यूब आप देखोगे 11 × 11 × 11 तो आपको मिलेगा 1331। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई 10% की राशि है, 10% के हिसाब से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं, तो हज़ार रुपये कितना हो जाएगा, 1331 रुपये हो जाएंगे 10% की दर से। अगर 1000 रुपये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये आपको क्या मान लेना है, प्रिंसिपल मान लेना है, यानी कि अगर मूलधन 1000 है तो आपका जो ब्याज होगा वो 1331 हो जाएगा 3 साल में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 1000 रुपये कितना हो जाएगा, 1331। अच्छा, ये ब्याज नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का मतलब मिश्रधन हो जाएगा, मतलब अगर आपने 1000 रुपये जमा करवाए बैंक में, ठीक है, और बोला 3 साल तक 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो भैया 10% के हिसाब से, है ना। तो वो 1000 रुपये का पे कितना मिलेगा अमाउंट आपको, 1000 रुपये में 331 रुपये और जोड़ के मिल जाएंगे, मतलब 1331 मिल जाएगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो देखो 1000 रुपये तो आपने दिए थे और इतने पैसे वापस मिले, मतलब कि कितना ज़्यादा मिला, तो आप बोलोगे 331 रुपये ब्याज बनेगा। क्लियर है, देखो यही चीज़ आप यहाँ से देखो ध्यान से, 3 वर्ष का अगर मैं यहाँ इसको मैं क्या करता, 10 को कम कर दूँ, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं 10 को हटा दूँ यहाँ से, 1000 रुपये की बात करूँ, तो 10 यहाँ से हटाई तो 10 यहाँ से हट जाएगी, 10 यहाँ से हट जाएगी, 10 यहाँ से हट जाएगी, और इनमें से भी 10 हट जाएगी। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, इस वाले कॉलम को पूरा हटा देते हैं, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि 1000 रुपये का अगर 10% के हिसाब से मैं ब्याज देखूँ, तो 3 साल का कितना हो गया, 1, 2, 3, 330 और 1, 31, तो देखो 331 रुपये ही ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि सक्सेसिव इंक्रीज होता है कौन, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप इतनी बात आपको 101% समझ में आ गई होगी। तो हम जहाँ नीड होगी वहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ नीड होगी वहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर है, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, उस ट्रिक को मैं थोड़ा सा वापस से यूज़ करूँगा, उस ट्रिक को मैं वापस से बनाऊँगा और यूज़ करूँगा, और एक कॉन्सेप्ट और बताऊँगा सबको मर्ज करने के बाद, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वो जो मैंने ट्री बनाया था, मैं वापस से यूज़ कर रहा हूँ उसको, मैंने सक्सेसिव इंक्रीज बता दिया, ट्री बता दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूँ, तो इस प्रकार से मिलता है 10000 रुपये का, ये 10000 रुपये, तो 10000 रुपये का 10% वार्षिक की ब्याज की दर से बनाऊंगा, तो इस तरह से कुछ मामला मिलेगा। अब देखो मैं ब्याज की बात करता हूँ, तो ये जो है ये इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1 साल के लिए ये देखेंगे, 2 साल के लिए ये पूरा हो जाएगा, 3 साल के लिए ये पूरा हो जाएगा, 4 साल के लिए देखेंगे तो सबको इंक्लूड करके जोड़ देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, आप देखिए कि 10% अगर मैं 1000 रुपये का, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लो कि मेरे पास में कोई भी धनराशि, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, 10000 रुपये का, पहले आप देखोगे 10% की दर से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सबसे पहले क्या करोगे, आप 10% निकालोगे इस राशि का, सीधे 10% निकालोगे, तो आप इस राशि का 10% निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 100 आएगा। ठीक है, ये 100 आएगा, अब मुझे बताओ, सॉरी 1000 आएगा, है ना, अगर 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10 कम यानी कि 1000 आएगा। अब मुझे बात करनी है सिर्फ कि 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि 1 साल में तो साधारण ब्याज ही बनता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1000 रुपये तो क्या आया मेरे पास में, 10% आ गया इसका, पहले 10% निकाल लो। अब आप देखो 2 साल के लिए अगर बात कर रहे थे, तो 2 साल में 1000 कितनी बार आ रहा था, 1 और 2, है ना, तो आपने क्या करना है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इस 1000 का भी आप क्या करोगे, वापस से 10% निकालोगे आगे, तो नेक्स्ट टर्म में 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100। अब आप देखो 100 कितनी बार आया 2 साल में, तो आप बोलोगे 1000 तो 2 बार आया था, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 एक बार आया था, इसके लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात हुई किसकी, 2 साल की, किसकी बात हुई, 2 साल की, तो यहाँ पे लिख लिया 2 साल। तो 2 साल का जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, 2 साल का अगर मुझे CI निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं एक चीज़ याद रखूँगा, 2 और 1, मतलब कि जो भी रेट है वो सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, जो भी दर मुझे गिवन है राशि का, सीधा उतना परसेंट निकाल लूँगा। 2 साल की बात हो रही है, तो पहले वाले उसमें 2 का गुणा कर दूँगा, फिर क्या करूँगा, इसका मैं वापस से 10% निकाल लूँगा, क्योंकि रेट तो चेंज हो नहीं रही है, रेट चेंज होगी जब की जब देखेंगे, अभी सीख लो, तो रेट चेंज नहीं हो रही, तो फिर से 10% निकालूंगा, उसका 1 में एक बार मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे ट्री में ये 1 बार आ रहा था। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, तो आपको 2 साल के लिए याद रखना है 2 और 1, ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है,
ठीक है। अगर मैं इसकी जगह बात करूँ 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं 3 साल, 1 साल की तो बात करेगा ही नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्योंकि 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है ना, और अगर बात कर ले तो आपकी किस्मत अच्छी है। अब देखते हैं दो साल का तो हो गया, अब 3 वर्ष का CI देखते हैं, 3 वर्ष का CI। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि 2 साल का निकालना है तो 2/1 याद रखिएगा, सीधे 10% निकाल के 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका 10% निकाला और आगे और 1 का मल्टीप्लाई किया, काम खत्म, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 1000 × 2 = 2000, और 100 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2100, आप देखो 2100 ही तो बन रहा है ब्याज 2 साल का, ठीक है, तो यहाँ से 2100 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3 साल का अगर ब्याज निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे, किसका निकालना था, 10,000 का निकालना है, कितनी रेट पे, 10% की रेट पे। तो पहले आप निकालेंगे 10,000 का 10%, तो आपने क्या किया, 10,000 का 10% निकाला तो आपके पास में 1,000 आया। इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साल की बात करनी है तो अभी 3 साल की बात करेंगे, मतलब इतना इतना देखेंगे आप, इतना इतना। अगर 3 साल की बात करेंगे तो 1,000 कितनी बार आ रहा था, 1, 2, 3 बार आ रहा था, 1,000 आपका 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स 1,000 में आपको 3 का मल्टीप्लाई चाहिए। ये हमेशा ही सेम रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला है, कभी भी नहीं। तो आपको ये डिजिट्स याद रखनी है मन में, ठीक है, और आपको 3 साल तक ही मामला याद रखना है, क्योंकि 4 साल का क्वेश्चन आता ही नहीं है, है ना, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में नहीं आता 4 साल का क्वेश्चन, SSC में नहीं आता, तो ये तो छोटी सी एग्जाम है ना, तो 3 साल तक ही मामला आपको ये और एक चीज़ जो अभी निकल रही है वो याद रखनी है। तो 1,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3,000 आएगा सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे करेंगे, मतलब इस 1,000 का वापस से 10% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 10% निकाला था, वापस से 10% निकालेंगे। आप बोलोगे 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि 10 कम हो जाएगी तो ये 100 हो गया। इस 100 में कितना बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, तो 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, 300, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगली चीज़ क्या आ रही है, तो आप बोलोगे 10 आ रहा है, तो मतलब इसका वापस से 10% निकालेंगे, चलाते जाओ बस, 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 का 10% 10 आएगा। कितनी बार आ रहा है मेरे दोस्त, कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 100 आ जाएगा। अगर आप देखोगे सबको जोड़ के तो ये आ जाएगा 3,310, यानी कि 3,310, ये आपका क्या मिल गया, सिम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 3 साल का, तो ये 3 साल का ब्याज आ गया। देखो लोग आपको बता देते हैं कि 2 साल के लिए 2/1 का मल्टीप्लाई करना है, 3 साल के लिए क्या करना है, 3, 3, 1 का मल्टीप्लाई करना है। आपको कितनी ही जगह कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक मिल गई होगी, लेकिन आज आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। बस यही चीज़ है, अगर आपको रूट पता है ना तो फिर आप हर चीज़ कर जाओगे, फिर आपको अलग ही मज़ा आएगा पढ़ने में कि नहीं यार ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो क्लियर है, तो 3, 3, 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर 3 साल के ब्याज की बात कर रहे हैं तो पहले 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट 10% निकाल के फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट 10% निकाल के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आ रहा है सब मल्टीप्लाई करके उड़ा के जोड़ देंगे, वो इंटरेस्ट आ गया। तो सीधे आप क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगाने वाले हैं, तो 3 साल की बात करेंगे तो ये वाला मामला रहेगा, जैसे 2 साल में ये वाला था, ठीक है, यहाँ हो गया 2,000 और यहाँ हो गया आपका कितना, 100, और जब आपने जोड़ा तो कितना हो गया ब्याज, 2100 बना, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 2/1 याद रखना है, पहले 2 से और फिर 1 से। 3 साल की बात आई तो 3, 3, 1, ठीक है। अब आप ये सीख गए कि कैसे करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब यहाँ से एक छोटी सी बात मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा मेरे से, 2 वर्ष का CI, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं क्या याद रखूँगा, मैं 2 और 1 याद रखूँगा, यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे 3 वर्ष का CI बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं याद रखूँगा 3, 3 और 1 को, पहले 3 से फिर 3 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझसे 4 वर्ष का CI बोलेगा तो आप देखोगे, अब एक पैटर्न मैं बनाता हूँ, 2 में पहले आप 1 जोड़िए, 2 में 1 जोड़ेंगे, याद रखने का तरीका देखो, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, इस 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और इस 1 को ऐसे लिखेंगे। फिर से मैं क्या करूँगा, 3 में 1 जोड़ूंगा क्या आएगा, 4 आएगा, 3 में 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, फिर इस 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 1 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो 4 साल के लिए बात रहेगी, तो 4, 6, 4, 1 का मल्टीप्लाई आपको करना है, ऐसे करते जाके, है ना। और फिर अगर 5 साल की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आपको क्या पैटर्न ध्यान रखना है कि 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपके 10 आएगा, फिर इस 6 में 4 को जोड़ेंगे तो फिर से 10 आएगा, फिर 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और फिर 1 को ऐसा कैसे लिख देंगे, यानी कि 5 साल की बात करेगा तो ये आएगा। कभी भी आपकी परीक्षाओं में इसका और इसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ है आज तक, ना आगे आने की संभावना है, ना आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, इतनी कैलकुलेशन आप कर लो वही बहुत है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है,
फालतू की चीज़ों पे जाना नहीं है, क्योंकि अपन को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे या फिर टाइम पास के लिए, है ना? टाइम पास के लिए करोगे तो बहुत सारी चीज़ें करते रहो। अगर सिलेक्शन लेना एक ही बार में करके, तो आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी और वही आनी चाहिए। कितना दिमाग में भरोगे, आपका दिमाग भी कितना कैपेबल है, कितनी चीज़ें याद रख लोगे? अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रख सकता है दिमाग, तो फिर आईएएस की तैयारी करें अपन, ठीक है? फिर देखो, मेरी बातों का आपको बुरा नहीं मानना है, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट हम क्यों भटके हैं, क्यों चीज़ों के पीछे भटक रहे हैं हम लोग। एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ते हैं ना जो एग्ज़ाम के लिए रिलायबल है, है ना? चलिए, तो यहाँ हमने देखा दो और ये तीन वर्ष, है ना? तो ये हमारा क्लियर हो गया कि दो वर्ष के लिए हमको ये याद रखना है, तीन वर्ष के लिए ये याद रखना है। मैंने बता भी दिया कि इसको लगाते कैसे। अब सीधे ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन के ऊपर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और देखते हैं कैसे हम चुटकियों में इससे बना सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या दो वर्ष के लिए 5,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यदि ब्याज की दर 10% है। देखो, ब्याज की दर है आपके पास में 10% और रुपये है कितने, 5,000 रुपये। पूरा काम परसेंटेज पे चलेगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, परसेंटेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब दूर घुस जाएगा वो, ठीक है? आपको ध्यान रखना है बस। तो 10% के हिसाब से आपको 5,000 रुपये का 2 साल का CI निकालना है। पहली चीज़ देखो ज़रा ध्यान से, पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, पहली तीनों कॉन्सेप्ट से अगर बताता हूँ, जो अच्छा लगे उससे करना, तीनों से बहुत जल्दी आंसर आएगी। पहली चीज़ मैंने बताई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज़ होता है। सक्सेसिव इंक्रीज़ तो सीधे आपको किसको पकड़ना है, दर को पकड़ना है। दर कितनी है भाई, 10%, तो इसको उठा के लाओ, चल भाई आ जाओ इधर, 1/10। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 से 11 होगी चीज़, यानी कि 10 से कितनी होगी, 11। पहले साल में 10 से 11, दूसरे साल में फिर से 10 से कितनी होगी, 11। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, तो ये एक साल की बात हुई है, दूसरे साल 2 साल की बात हुई। 2 साल का अगर देखना है, तो 2 साल में अगर मूलधन कितना है, 100 है, यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा प्रिंसिपल, और यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा अमाउंट, ये कितना होगा, 121, यहाँ पे मिलेगा क्या, अमाउंट। तो आप मुझे बताओ कि मूलधन अगर 100 रुपये है, तो अमाउंट कितना बनेगा, 121 रुपये बनेगा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है? ब्याज ही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है? मतलब पैसा कितना हो जा रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ेगा, 21 पॉइंट बढ़ा। देखो, 100 पॉइंट अगर मूलधन है, तो 121 पॉइंट आपका क्या बनेगा, मिश्रधन, यानी कि अमाउंट, ब्याज जुड़ने के बाद में, चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ने के बाद में, ध्यान से समझना। और 100 से 21 हुआ, मतलब 21 रुपये क्या मिला आपको, CI। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो जादू, 100 रुपये मूलधन था, लेकिन सामने वाले ने बोला है मूलधन 5,000 रुपये, मतलब ये जो 100 है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 5,000। अगर 100 की वैल्यू 5,000 है, तो आपको 21 की वैल्यू निकाल के देना है सामने वाले को। आपको क्या करना है, 21 पॉइंट की वैल्यू निकाल के देना है। तो 100 की वैल्यू 5,000 है, तो 20 से 20 आप नहीं काट सकते क्या? आप बोलोगे बिल्कुल काट सकते, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है, तो 21 की कितनी होगी, 21 × 50, और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10 और 10 यहाँ चिपकाएंगे, मतलब जो उत्तर आने वाला है ना आपका, वो 1,050 रुपये ब्याज आएगा। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन ने कर ही ऐसा दिया उसको, ठीक है? क्लियर है? सो कितना आएगा, 1,050 रुपये आपका ब्याज आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई समस्या? तो ये था पहला तरीका करने का, कि आप सीधे बोल दो सक्सेसिव इंक्रीज है भैया। देखो, औजार सारे आना चाहिए आपके पास, होना चाहिए, और चलाते भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे सिंपल हो जाए, इससे बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी ट्री से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो। और कभी कभी तो ऐसे ही हो जाएगा मुंह से बोलते बोलते, और कभी कभी वो प्रोसेस से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा जो मैंने बताई आपको दूसरी वाली। तो आपको सभी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें तो वही है ना, है ना? अगर फिर भी नहीं रहता, तो आप ये वाली प्रोसेस ध्यान रखो, ये बेस्ट है ना, ये हमेशा ही लग जाएगी, क्लियर, निकालने में। लेकिन फिर वही बात है कि आपसे रेट निकालने का बोलेगा, आपकी बकरी घूम जाएगी, आपसे समय निकालने का बोलेगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यार समय में कैसे करेंगे, ठीक है? तो आपको आनी चाहिए चीज़ें, कॉन्सेप्ट सारा आना चाहिए। देखो, तरीका नंबर दो क्या बोला था मैंने, कि 2 साल के लिए अगर आपको निकालना है, तो 2 और 1 ध्यान रखिएगा। आपके पास में राशि कितनी है, 5,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीधे चालू कर दो, 5,000 रुपये का 10% निकालो, तो आप बोलोगे 10 कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, यानी कि कितना बनेगा, 500। ये 500 कितनी बार आना चाहिए, 2 साल की अगर बात कर रहे हैं, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 का गुणा होगा 500 में, तो ये 2 का गुणा कर दिया, ठीक है? कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1,000 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी वाली बात करेंगे, तो वापस से इससे चेंज चलानी है, तो इसका 10% आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसका चेंज चला के 10% निकालेंगे,
500 का अगर 10% मुझे निकालना है, क्या करोगे, एक जीरो को कम कर दोगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करना है एक का, क्योंकि दो साल का निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 500। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आप, अरे यार 50 होगा ना, 500 कैसे होगा, 50 × 1 क्या कर रहे हो यार, गलत कर, तो कितना आएगा, 1050। ठीक है, तो आपको उत्तर जो आएगा वो 1050 आएगा। बोलो कोई चेंज आया क्या, पहले भी यही आ रहा था, दूसरा भी यही आ रहा था, ये तरीका नंबर दो था, मैं यहाँ लिख देता हूँ तरीका नंबर दो। ठीक है, समझ आ रही बात, अब देखते हैं अगला, थर्ड वे इंग्लिश भी बोल लेते हैं अपन थोड़ी थोड़ी, थर्ड वे। ठीक है, देखो थर्ड वे में कैसे करना है, थर्ड वे क्या है, तो ये हमने देखा, दो तरीके तो हमारे देख लिए हमने कि ये भैया ऐसे ऐसे होगा, तीसरा वे अब मैंने आपको क्या बताया था, ट्री बना के। तो ट्री कैसे बनाओगे, देखो सीधे आप 5000 रुपये लिखो, है ना, और बात करो 10% की, तो 10% के लिए पहले साल में ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5000 का पहले साल आपको 500 रुपये मिलेगा। दूसरे साल का ट्री बनाओगे तो दूसरे साल कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 10% अगर देखेंगे तो यहाँ भी 500 मिलेगा, है ना, क्योंकि 10% फिर मिलेगा, लेकिन दूसरे साल 10% इस पे तो मिलेगा, लेकिन इसका भी 10% यहाँ लोगे आप, तो इसका 10% करेंगे तो बोलोगे सर 50 मिलेगा, क्योंकि इसका 10% 50 होगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो 500 1000 और 50, यानी कितना हो गया 1050। कैसे भी निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई है क्या समस्या, नहीं है। आपसे बोले मिश्र धन निकाल दो, अमाउंट निकाल दो, अमाउंट कितनी हो जाएगी धनराशि, तो क्या करोगे 5000 में 1050 को जोड़ देना, कितना आ जाएगा 6050 हो जाएगा, और बोलो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अब अपन कोई भी एक टाइप को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं कभी भी किसी से कर दूंगा, कोई समस्या नहीं, आप जो बोलेंगे उससे कर लेंगे। चलो देखते हैं, क्या बोला है, 5000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपके पास में वापस 5000 रुपये हैं, 10% की दर है और 3 साल की बात है। अगर 3 साल की बात है तो पहले 5000 रुपये का मैं सीधे 10% निकालूंगा, आप कहेंगे सर 500 हो जाएगा, क्योंकि 10% निकालना बहुत आसान होता है, एक जीरो कम करो। 3 साल की बात है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 5 × 1500 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। फिर इसका फिर से 10% निकालेंगे, आप कहेंगे 50 हो जाएगा। 3 साल की बात है तो फिर से 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 150, कोई समस्या नहीं। फिर इसका 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। अब की बार मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 का होगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो आप कहेंगे, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और ये 1, मतलब ब्याज कितना हो गया 16 55। कहाँ है ऑप्शन में, कहाँ है ऑप्शन में 16 55, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ट्री से कर सकते हैं, एक सक्सेसिव इंक्रीज से भी इसको देख लो, जरा एक मिनट रुक जाओ, सक्सेसिव इंक्रीज से भी बता देता हूँ। देखो 10% का मतलब क्या होना, 10 से 11 हो जाना, दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा, तीसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा, 3 साल में अगर देखें तो प्रिंसिपल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1000 बनेगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 1331 बोलेगा, 11 का क्यूब होता है 1331, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, यानी कि ये मूलधन है और ये आपका अमाउंट है। अमाउंट का मतलब समझते हो, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। तो आप बोलोगे ब्याज कितना हुआ, तो आप कहेंगे ब्याज कितना हुआ 331 पॉइंट, क्यों, क्योंकि 1000 से ये हो गया, मतलब 331 पॉइंट ब्याज हुआ। आप बोलोगे 1000 पॉइंट तो मूलधन था, मतलब आप देखोगे 1000 पॉइंट की वैल्यू मूलधन के बराबर है, यानी कि 5000 के बराबर है, यानी कि यहाँ 5000 है, मतलब 1000 का मतलब 5000 है, मतलब सीधे सीधे आप देखोगे 5 का मल्टीप्लाई ठुका हुआ है 1000 में, 1000 पॉइंट की वैल्यू 5000 है, तो आप बोलो 331 पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 5 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, आ गया 16 55, कान इधर से पकड़ो इधर से बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ट्री से आप खुद करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वाकई आपको लगा है कि नहीं यार वैल्यू फॉर मनी है, मनी तो आप दे नहीं रहे, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अपना ऐसा ही लव और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखो। कैसे करके, कैसे करोगे आप लोग वो चीज़, कैसे करोगे, वीडियो को शेयर करके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते करिए, है ना। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।